अगर आपके चाकू में धार नहीं है ना, तो उसका जो शेप है किसी काम का नहीं यार। चाकू से आप कुछ भी नहीं काट पाएंगे। ओके और सेम जाता है किस पर, बैट पर। कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बैट ले लें, कितना भी महंगा बैट ले लें, अगर उसकी आप प्रॉपर नॉकिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करेंगे, और मैच में निकालने से पहले नेट्स में कोई एक दो ड्रिल है, अगर वो पूरे नहीं करेंगे, तो आपका बैट आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कंप्लीट गाइड बनाई है। चाहे आप 10,000 का बैट लें, चाहे 90,000 का लें, 5,000 का लें, ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे बैट लेने के बाद, तब आप अपने बैट को टोटली प्रिपेयर कर पाएंगे। और हाँ, नॉकिंग करते वक्त, ऑलिंग करते वक्त और नेट्स में ले जाने के टाइम आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक कंप्लीट गाइड हो जाएगी आपके लिए जब आप अपना नया बैट परचेज करने जाएं। तो यार वेट नहीं करते हैं, लेट्स डू दिस। तो गाइज, आप बड़े अरमानों से अपना नया बैट खरीदते हैं कि भाई ये लंबा चलेगा, खूब सारे स्कोर मुझे बना के देगा, लेकिन आप अक्सर ये देखा गया है कि आपके बैट टूट जाते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जितना आप उन्हें सोच रहे होते हैं लंबा चलेंगे, तो उसका रीजन क्या होता है? और हाँ, आप कभी कभी जब बैटिंग करते हैं, आप फील करते हैं कि आपके बैट में वो पिंग नजर नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपका जो बैट है वो प्रॉपरली नॉक ऑयल नहीं किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करें नॉकिंग जब आप नया बैट लें। तो यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, जितने भी बैट होते हैं ना, जितने भी आप बैट परचेस करें, लाइक किसी भी ग्रेड का, जो मिडिल ऑफ द विलो होता है ना, वहां तो आपको एक अच्छे फील का पिंग आपको सुनाई दे रहा होगा। यहां भी जब मैं ऐसे मैलेट को यहां पर हिट कर रहा हूं स्वीट स्पॉट में बैठ के, तो ये लिटरली मैलेट पीछे जा रहा है, रिबाउंड उसमें ऑलरेडी है। तो यार ये हम लोग गलती करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग जब नॉकिंग करते हैं तो हम लोग फोकस, क्योंकि यहां मजा आ रहा है ना करने में यार, और मैलेट भी पीछे जा रहा है तो ये फील भी अच्छा है। तो आप मेजोरिटी ऑफ टाइम यहां पर नॉकिंग ना करके, जैसे आप अगर आप 100% नॉकिंग कर रहे हैं, अगर मैं परसेंटेज बताऊं फिर आपको घंटों में बताऊंगा कि अगर आप 100% नॉकिंग कर रहे हैं बैट की, तो मेक श्योर करिए 80% जो टाइम है ना वो आपका एजेस और बॉटम या साइड में जाना चाहिए, जहां पर बैट में जान नहीं होती है। बॉटम पे देखिए अलग ही आवाज आ रही है, ये हर बैट के साथ होता है बाय द वे, ग्रेड इररिलेवेंट है, कितना महंगा है सस्ता बैट आप ले लें। तो आप जो अपना 80% ऑफ टाइम है वो बैट के बॉटम पे और उनकी एजेस पर लगाएं। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात बताऊं तो 4 से 5 घंटे की नॉकिंग आपको अपने बैट की करनी चाहिए। अब ये एक गो में करना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आप पर्सनली खुद कर रहे हैं, हाफ आवर का स्लॉट लीजिए, आधे घंटे करिए आज, लाइक पूरे वीक अगर कंटिन्यू करना है तो एक हफ्ते आप नॉकिंग करिए, आधे आधे घंटे के स्लॉट में आप नॉक करिए अपने बैट को। और एक और गलती जो क्रिकेटर्स करते हैं नॉकिंग करते हुए, वो है एजेस की नॉकिंग। अब एजेस जब आप नॉक करेंगे ना, तो आप एज अगर आप डायरेक्ट अपने एज पे से हिट करेंगे, यहां से अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे मारूंगा, तो आपका बैट डेफिनेटली दिक्कत में आएगा, आपके बैट में जो एजेस होंगी वो ब्रेक हो सकती हैं। तो भैया मैदान में तो आप लेके गए नहीं, पहले ही आपने बैट को आपने हर्ट कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेस को आप एक एंगल में हिट करें, एक एंगल में हिट करना बड़ा जरूरी है, 45 डिग्री के एंगल में। जैसे ये बैट अगर है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसकी लिटरली आप बैट को ये फील करा रहे हैं कि अगर आउटसाइड एज लगे तब आपका बैट ब्रेक ना हो, तो लिटरली ये वो बिहेवियर हैमर दे रहा है एजेस में, जिस तरह से लिटरली उसको टच करके निकल रहा है एजेस को, मेरा हैमर 45 डिग्री में टच करके, डायरेक्ट हिट नहीं करना है एजेस में, डायरेक्ट हिट करेंगे दिक्कत होगी, तो 45 डिग्री में उसको आप हिट करिए। और ये रीजन क्या है, क्योंकि जब आप नया बैट लेंगे तो आप देखना जो उसकी एजेस होंगी बहुत नुकीले होंगी, बहुत शार्पन होंगी, और जैसे जैसे आप हैमर करेंगे तो वो फ्लैट आउट हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, और उससे फिर उन पे असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये सब चीजें हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम लोग नॉकिंग चाहे मिडिल हो बॉटम हो या जिस पे क्यों कर रहे हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रीजन होता है कि जब आप नया बैट लेते हैं ना, तो उसके जो फाइबर होते हैं ना वो कंप्रेस नहीं होते हैं, और जितने आप नॉकिंग करेंगे आप फाइबर को कंप्रेस कर रहे हैं, बेटर शेप में दे रहे हैं, बेटर उसे रिबाउंड दे रहे हैं, ताकि जब ये बॉल इवेंचुअली बॉल लेदर बॉल आके लगेगी तो जबरदस्त पिंग होगा। और सेफ्टी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नॉक करेंगे तो कंप्रेस तो कर ही रहे हैं इस बैट को, उसको आप प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं किस पे, ये नॉकिंग की बात हो गई, और नॉकिंग के टाइम एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 4 से 5 घंटे आपको नॉकिंग करना है अपनी बैट की। अगर आप किसी को दे रहे हैं ड्यूटी या जहां से भी आप बैट परचेज कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें, उससे बोलें कि 4 से 5 घंटे मेरा बैट नॉक होना चाहिए। चलिए अब किस पे आते हैं, अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, ऑयलिंग पे। अब ऑयलिंग क्यों करते हैं बैट की, अच्छा जब आप नया बैट लेते हैं ना, तो उसकी जो वुड होती है ना वो बहुत ड्राई होती है। जब आप किसी भी लकड़ी, अगर आप फ्रेश लकड़ी आपके हाथ में आएगी और अगर वो सूखी है, और अगर आप उसको मैच में कोई चीज़ से हिट करोगे, लाइक ऑब्वियसली बॉल आके लगेगी, तो वो टूट जाएगी। तो बॉल के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑयलिंग आप इसीलिए करते हैं ताकि बैट आपका ईजिली ब्रेक ना हो।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ लोगों में देखता हूं कि ऑयलिंग अवॉइड कर देते हैं, तो मेक श्योर करें आप ऑयलिंग करें। अब ऑयलिंग का सही तरीका क्या है, बड़ा आसान है। आपने ऐसे बैट को पहले ये देखिए, बैट को आप स्टार्ट फ्रॉम द बैक, ऑब्वियसली स्टिकर वाला पार्ट आपको नहीं करना है। यहां पर आप कोट लीजिए और आपको तेल कौन सा यूज करना है, ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग आप किस तेल से करेंगे, लिनसीड ऑयल से, ठीक है ना, नॉन स्टिकी होता है, ज्यादा कम डेंस होता है, और कोई ऑयल यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको लिनसीड ऑयल ही यूज करना है। तो लिनसीड ऑयल यूज करना का तरीका ये रहा, पहले बैट के फेस को आप ऐसे कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके बैट में इंग्लिश टेप लगा हुआ है, राइट, आपने परचेस के लिए आप ऑयल नहीं कर पाए उस बैट को, आपने थोड़ा यूज को यूज भी कर लिया है, तो अगर आप उतारना नहीं चाहते इंग्लिश टेप, तो पीछे से यहां पर दो तीन कोटिंग, और ज्यादा ओवरऑयल नहीं करना है बैट को, कि आपने बहुत सारा तेल इस पर डाल लिया तो आपके बैट का रंग बदल जाएगा। तो हल्का सा तेल जो कि आप देख पा रहे हैं फुटेज में, हल्का सा आपने एक क्लॉथ पे लगाया और उसको आराम से स्प्रेड किया बैक ऑफ द फेस, ऐसे बैक ऑफ द फेस आप उसे कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, ऊपर लगाने से ये जो ऑयल होगा ये सोक इन कर जाएगा। 24 घंटे बैट को इसी शेप में रखिए, और जब ऑयल कर रहे हैं इसी शेप में रखिए, बैट ऑयल को सोक करेगा रात भर, तो आप इजिली इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो परफेक्ट हो जाएगा, ड्राई वुड नहीं रहेगी, फिर इसमें मॉइस्चर रहेगा जो कि ऑप्टिमम रहता है, बैट ब्रेक ना करे। और फेस पे लगाना है तो फेस पे ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर, स्टिकर वाला नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप ऑयल करिए 2-3 कोट्स लाइट ऑयल, ज्यादा ओवर ऑयल नहीं करना है, ओवर ऑयल करोगे तो उसका शेप जो है ना, इनफैक्ट जो कलर है वो बदल जाएगा और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा हैवी हो जाएगा बैट आपका, तो वो नहीं करना है। तो ये देखिए फेस पर ऐसे आप ऑयल की 2-3 कोटिंग, और 24 घंटे के लिए बैट को आप इस शेप में रखें, ऐसे रखें। तरीका ये है, अगर आप सीधे रख देंगे ना बैट को, ऐसे स्ट्रेट अगर रख देंगे, जितना भी ऑयल आपने इस बैट को लगाया है वो नीचे चला जाएगा, बैट के बॉटम पे चला जाएगा, सोक इन कर लेगा बॉटम, और आपका बैट हो जाएगा ज्यादा हैवी। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है ऑयल जब आप करें बैट को, तो ये जरूर फॉलो करें। और इसके अलावा, ऑयलिंग के अलावा, अब थर्ड पोर्शन आता है मेरे हिसाब से, वो भी की एलिमेंट है। आपने बैट की नॉकिंग कर ली, बैट की ऑयलिंग कर ली, इसके अलावा थर्ड आप जाइए नेट्स में और आप एक ओल्ड बॉल, पुरानी बॉल लीजिए और थ्रो डाउन्स लीजिए, कम से कम 200-300 थ्रो डाउन्स, या कैचिंग कराइए अपने फ्रेंड्स को अपने साथ खेल रहे हैं, और उसके बाद आई थिंक ये तीन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फिर भी आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बैट नॉक हुआ है कि नहीं, बहुत जरूरी, तो उसके लिए आप क्या करें, आप एक नई बॉल लीजिए, राइट, एक नई बॉल ली और आपने बैट पर हिट करी नई बॉल, और अगर बैट पर जैसे ही बॉल लगती है, नई बॉल आपने सब नॉकिंग कर ली, ऑयलिंग कर ली, उसके बावजूद सीम के मार्क्स आ रहे हैं बैट पर, इंडेंटेशन टाइप लग रहे हैं, सीम के मार्क्स आ रहे हैं आपके बैट के फेस पे, दैट मींस अभी ये ढंग से बैट कंप्रेस नहीं हुआ है, तो उसको और भी कंप्रेस करने की जरूरत है। तो फिर से अपने बैट को वापस लेके जाइए, थोड़ी सी उसकी नॉकिंग और करिए, अगेन आई विल रिपीट, 4-5 आवर्स घंटों की जरूरत है, ऑयलिंग 24 घंटे के लिए बैट को रखना है, कैसे चेक करना है वो बता चुका हूं मैं आपको कि आप चेक कैसे करेंगे, आप हैमर से भी चेक कर सकते हैं कि हैमर आप जब उसको मारेंगे बार बार, तो अगर आपको कुछ मार्क्स फील हो रहे हैं, कुछ दिख रहा है मार्क, दैट मींस आपकी जो विलो है बैट की कंप्रेस नहीं हुई, अदरवाइज बॉल लेके भी आप चेक कर सकते हैं, नई बॉल लेके आप ऐसे उसको बैट पर, जैसे आप करते हैं ना पिंग टेस्ट करते हैं, तो पिंग टेस्ट करिए, अगर आप सेम मार्क देख रहे हैं दैट मींस आपका बैट टोटली प्रिपेयर नहीं है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करिए, मेक श्योर करिए अपने बैट को आप निकालने से पहले, मैच में निकालने से पहले ये तीनों प्रोसेस फॉलो करें। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑयलिंग कितनी मरतबा करनी चाहिए, अगर आप हर सीजन से पहले एक बार ऑयलिंग करें तो गलत नहीं है। एक बार इसका मतलब ये नहीं कि आपने लाइफ में जब बैट खरीदा पहली बार उसको ऑयल किया दैट्स इट, क्योंकि आपकी विलो सूख भी सकती है। आप बैट अपना किट बैग, आप चाहे अपने गैराज में रख रहे हो, चाहे अपनी कार में रख रहे हो, हीट पड़ रही हो, तो इट हैपेंस, अगर आप धूप पड़ेगी विलो सूखेगा, तो आप हर सीजन से पहले भी ऑयलिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सीजन से पहले आप एक बार अपने बैट को ऑयल कर लें जो कि आपका पूरा सीजन निकाल देगा। आई थिंक अगर आप ये सारी प्रोसेस करेंगे जो मैंने आपको बताई, तो आपका बैट आइडल वे में प्रिपेयर होगा, जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देगा और हाँ, आपके बैट को प्रॉपर प्रोटेक्शन भी मिलती रहेगी। तो हाँ, डेफिनेटली इन तीन प्रोसेस को फॉलो करिए और मेक श्योर करिए आप अपने बैट को डेफिनेटली प्रिपेयर करें मैच में निकालने से पहले। स्पोर्ट लॉन्च पैड देखते रहिए और हाँ यार, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे जाके, यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्रिकेटिंग कम्युनिटी से। मैं एक बार फिर से आपसे मिलूंगा जल्दी।